हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सिक्स का एनसीईआरटी। ओके, हम लोग सॉल्व करेंगे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट को। फर्स्ट नंबर चैप्टर में आपको दिया गया है नोइंग आवर नंबर्स, मतलब अपने संख्याओं की जानकारी। अब अपनी संख्याओं की जानकारी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्याओं के बारे में जानते हैं और इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। आप एक बार इसको रीड कर लो और यहां पे क्या बताया गया है हम लोग एक बार समझ लेते हैं। यहां पे कहा गया, आपको स्टार्ट करते हैं। कहा गया कि काउंटिंग थिंग्स इज इजी फॉर अस नाउ, मतलब कहा गया कि अभी हमारे लिए चीजों को गिनना आसान है। कार्य के वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट इन लार्ज नंबर्स फॉर एग्जाम्पल, मतलब हम लोग बड़े ऑब्जेक्ट्स के, मतलब बड़े नंबर्स के ऑब्जेक्ट को भी काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इन द स्कूल, मतलब कहा गया कि किसी स्कूल में स्टूडेंट की संख्या आप उसको काउंट कर सकते हो। एंड रिप्रेजेंट दैम थ्रू न्यूमरल्स, और उसे न्यूमरल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूमरल्स मतलब 1, 2, 3, 4, 5 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहा गया कि वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट लार्ज नंबर्स यूजिंग सुटेबल नंबर्स नेम, मतलब कहा गया कि हम लोग सुटेबल नंबर्स नेम का यूज करके लार्ज नंबर से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। यहां पे कहा गया कि इट इज नॉट एज इफ वी ऑलवेज न्यू हाउ टू कन्वे लार्ज क्वांटिटी इन कन्वर्सेशन और थ्रू सिंबल्स। मेनी थाउजेंड्स ईयर एगो पीपल न्यू ओनली स्मॉल नंबर्स, मतलब बहुत साल पहले की बात करें तो लोग कुछ ही नंबर्स के बारे में जानते थे। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, कहा गया कि दे लर्नड हाउ टू हैंडल लार्ज नंबर, वो सीख गए कि हमें बड़े नंबर को कैसे हैंडल करना है या बड़े नंबर से कैसे डील करना है। ओके, अब यहां पे आ जाओ नंबर्स। अब कहा गया कि दे ऑल्सो लर्न हाउ टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर इन सिम्बॉल, और वो ये भी सीख गए कि हम लोग लार्ज नंबर को सिम्बॉल के रूप में कैसे लिखेंगे। यहां से सिम्बॉल्स, कहा गया कि ऑल दिस कैम थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब कहा गया कि सामूहिक लोगों के सामूहिक प्रयास के कारण यह संभव हो पाया। देयर पाथ वॉज नॉट ईजी, उनका रास्ता आसान नहीं था। दे स्ट्रगल ऑल अलोंग द वे, वो लोग क्या किए, बहुत परिश्रम किए, बहुत स्ट्रगल किए। कहा गया कि इन फैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द होल ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी अंडरस्टूड दिस वे एज ह्यूमन बींग प्रोग्रेस्ड, कहा गया कि जैसे ही लोग उन्नति करते गए, आगे बढ़ते गए, देयर वॉज ग्रेटर नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस होने लगी मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट की या मैथमेटिक्स के विकास की। कहा गया कि एंड एज अ रिजल्ट मैथमेटिक्स ग्रू फर्दर एंड फास्टर, इसी का परिणाम यह रहा कि मैथमेटिक्स धीरे धीरे क्या हुआ, तो ग्रो करता चला गया या डेवलपमेंट होता चला गया। अब बोलोगे सर मैथमेटिक्स कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी खोज करने पड़े। जैसे कि देखो, पहले छोटे नंबर्स के बारे में जानकारी थी हम लोगों को, लेकिन जैसे जैसे लोगों का ब्रेन डेवलप हुआ, जैसे ह्यूमन बीइंग डेवलप हुए, वैसे ही उन्हें और ज्यादा चीजों के बारे में जानकारी मिली। और जब ज्यादा चीजों के बारे में जानकारी मिली तो उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें बड़ी चीजों की आवश्यकता पड़ी मैथमेटिक्स में, जो उस समय तक उपलब्ध नहीं था। तो लोगों की जब आवश्यकता बढ़ गई, उसी हिसाब से मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट भी बढ़ता गया। अब आगे चलते हैं। कहा गया वी यूज नंबर्स एंड नो मेनी थिंग्स अबाउट देम, मतलब कहा गया कि हम लोग नंबर्स यूज करते हैं और उसके बारे में बहुत सारे चीज जानते हैं। नंबर्स हेल्प्स अस काउंट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, मतलब क्या कहा गया कि नंबर हमें हेल्प्स करता है काउंट करने में किसी ऑब्जेक्ट्स को। कार्य की दे हेल्प्स अस टू से विच कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज बिगर एंड अरेंज देम इन ऑर्डर, मतलब कहा गया वे हमें यह भी पता करने में मदद करता है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा कलेक्शन बड़ा है, और इसके बाद नंबर हमें अरेंज करने में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, अब आपको यह पता होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग, इसके बारे में आगे बताया गया। कहा गया कि फर्स्ट सेकेंड इटीसी, यह हमें कब पता चलता है, जब हमें नंबर्स के बारे में जानकारी हो तभी हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिख पाते हैं। कहा गया कि नंबर्स आर यूज इन मेनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड इन मेनी वेज, मतलब कहा गया कि संख्याओं का यूज डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बहुत जगह यूज होती है। आगे कहा गया कि थिंक अबाउट वेरियस सिचुएशंस वेयर वी यूज नंबर्स, कहा गया कि आप डिफरेंट सिचुएशन के बारे में सोचो और
वी यूज, जहां पे हम लोग नंबर का यूज करते हैं. लिस्ट फाइव डिस्टिंक्ट सिचुएशंस इन विच नंबर्स आर यूज, मतलब कहा गया कि पांच अलग अलग सिचुएशंस आपको देखने हैं जिसमें आप नंबर का यूज करते हो. ओके, अब आगे चलते हैं. कहा गया वी एंजॉयड वर्किंग विथ नंबर्स इन आवर प्रीवियस क्लासेज. हम लोग क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे नंबर्स के साथ वर्किंग को. कहाँ पे, तो प्रीवियस क्लास में. प्रीवियस क्लास में हम लोग नंबर को देख चुके हैं, जान चुके हैं. कहा गया कि वी हैव एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड देम. हमने उसको ऐड करना सीखा, सब्सट्रैक्ट करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा और डिवाइड करना सीखा. और आगे कहा गया कि वी ऑल्सो लुक्ड फॉर पैटर्न इन नंबर्स सिक्वेंसेज एंड डन मेनी अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स विथ नंबर्स. कहा गया कि उसमें हमने ये भी देखा, उसके हमने नंबर के पैटर्न को देखा, उसके सिक्वेंसेज को देखा और इसके बाद डन मेनी अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स विथ नंबर्स. नंबर्स के साथ हमने और भी अलग अलग इंटरेस्टिंग थिंग्स किए या और भी उसके साथ हम लोग प्ले किए. कहा गया कि इन दिस चैप्टर्स वी शैल मूव फॉरवर्ड, मतलब इस चैप्टर में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे. ऑन सच इंटरेस्टिंग थिंग विथ अ बिट ऑफ रिव्यू एंड रिवीजन एज वेल, मतलब कुछ रिव्यू और कुछ रिवीजन के साथ हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. अब आगे चलते हैं. अब देखो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आ रहा है आपके लिए, कंपेयरिंग नंबर्स. अब कंपेयरिंग नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि नंबर का तुलना करना. अब कैसे कंपेयर करते हैं, अब समझो. यहां पे कहा गया कि एज वी हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ दिस अर्लियर, लेट अस सी इफ वी रिमेंबर विच इज द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग दिस. अब आपको ये पता होगा कि इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है. कैसे पता करते हैं, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ डिजिट को देख करके पता करते हैं. यहां पे देखो फर्स्ट में कितना डिजिट, टू डिजिट. सेकेंड में कितना, थ्री डिजिट. थर्ड नंबर में फोर डिजिट. अब फिफ्थ नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट. अब बताओ कि जिसका डिजिट लार्जेस्ट वही नंबर लार्जेस्ट. तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिजिट किसका है, तो 5 डिजिट इसका है. इसीलिए यहां पे दिया गया आई एम द ग्रेटेस्ट या आई एम द लार्जेस्ट. ओके, अब चलो इसमें चेक करो. अब इसमें अब नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करो. यहां पे कितना है, 4 डिजिट है. यहां भी 4 डिजिट है, यहां भी 4 डिजिट है, यहां भी 4 डिजिट है और यहां भी 4 डिजिट है. अब बोलोगे कि सर नंबर ऑफ डिजिट तो सेम हो गए, अब कैसे कंपेयर करेंगे. अब नंबर ऑफ डिजिट अगर सेम हो गए तो इसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड से चेक करना शुरू करते हैं. लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वही नंबर सबसे बड़ा. यहां पर आपको 1 दिख रहा है, यहां पर 1 दिख रहा है, यहां पर 1 दिख रहा है, यहां आपको 9 दिख रहा है. ये 9, ये 9 और ये 9. ओके, अब आप बोलोगे कि सर इतने नंबर्स थे तो हमने सबसे लेफ्ट साइड वाले नंबर को क्यों चुना. क्योंकि देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड प्लेस पे क्या है, थाउजेंड्स के प्लेस पे 1 है. तो यहां पे देखो 1, 1, 9, 9 और 9. तो इसका मतलब अब देखो ये तो दोनों, इसको भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, स्मॉलेस्ट हो गए. अब आगे चलते हैं. अब देखो इसके भी 9 है यहां पे लेफ्ट साइड में, यहां भी 9 है, यहां भी 9 है. इसका मतलब अभी तक तीनों इक्वल चल रहा है. अब आप लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ो. यहां पे भी 2 दिख रहा है, यहां पे 0 दिख रहा है और यहां पे 2 दिख रहा है. इसका मतलब इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि 2 जो है वो 0 से ग्रेटर हो गया. इसका मतलब अब हमें सिर्फ इस दोनों के बीच कंपेयर करना है. अब सेकेंड डिजिट को देख लिए, अब लेफ्ट साइड से थर्ड डिजिट को देखो. थर्ड डिजिट क्या है, यहां पे 0 है और यहां पे 1 है. और आपको यह पता है कि 1 ग्रेटर हो गया 0 से. इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ये जो नंबर है, ये नंबर क्या हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा. बात समझ में आ गई कि कैसे हम लोग ग्रेटेस्ट को चुनेंगे. तो सबसे पहला हमने आपको बताया कि हम लोग नंबर ऑफ डिजिट को चेक कर लेंगे. जिस नंबर का नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होगा वो नंबर ग्रेटेस्ट होगा, जिसका नंबर ऑफ डिजिट छोटा होगा, कम होगा, वो नंबर स्मॉलेस्ट होगा. इसके बाद सेकंड पैटर्न क्या था, सेकंड पैटर्न ये था कि अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाए तो इसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे. ओके, लेफ्ट साइड से क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसका प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा होता है. पहले लेफ्ट से कंपेयर करना शुरू करेंगे और फिर राइट की ओर बढ़ेंगे और फिर वहां पर हमें जो नंबर पता चला बड़ा है उसी को हम लोग ग्रेटेस्ट मानेंगे. ओके, अब आगे चलते हैं. अगला है आपका शो वी नो द आंसर्स, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स हाउ यू फाइंड द नंबर्स दैट इज द ग्रेटेस्ट. कहा गया कि आपको अपने फ्रेंड के बीच डिस्कस करना है कि कैसे आपने फाइंड किया कि कौन सा नंबर बड़ा है. कहा गया कि कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन इच रो. कहा गया कि आप प्रत्येक रो में ये बता सकते हो इंस्टेंटली. इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत.
आप ये तुरंत बता सकते हो कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है और कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, हम बता सकते हैं। कैसे? हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ डिजिट को देखेंगे। इसमें कितने डिजिट का नंबर? 3 डिजिट का नंबर, ये 4 डिजिट का नंबर, ये 2 डिजिट का नंबर, ये 1, 2, 3, 4, 5 5 डिजिट का नंबर और ये 3 डिजिट का नंबर। सबसे ज्यादा डिजिट किसके पास है? इसके पास है। इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा? ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ओके, अब आपको यह चेक करना है कि सबसे कम डिजिट किसके पास है। यहां पे देखो, इसके पास ओनली 2 डिजिट दिखाई पड़ रहा है, यह सबसे स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब यहां से देखो कि 59,785 इज ग्रेटेस्ट एंड 18 इज स्मॉलेस्ट। बातें समझ में आ गई? अब चलो इसमें आ जाते हैं, सेकंड को। यह तो सॉल्व हो गया, अब सेकंड को चेक करो। अब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए नंबर ऑफ डिजिट यहां पे समझो कि इसको चेक करेंगे 1, 2, 3, 4 4 डिजिट का नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 5 डिजिट का नंबर, 1, 2, 3 3 डिजिट का नंबर, 1, 2, 3, 4 4 डिजिट का नंबर, 1, 2, 3 3 डिजिट का नंबर। अब देखो सबसे ज्यादा डिजिट किसके पास? बोलोगे सर इसके पास सबसे ज्यादा डिजिट है और ये नंबर कितना क्या है? 89,423। इसका मतलब आप कह सकते हो 89,423 इज द ग्रेटेस्ट। ओके, अब चलो नंबर ऑफ डिजिट देखो, ये 3 डिजिट का नंबर है और ये भी 3 डिजिट का नंबर है। ये स्मॉलेस्ट रहा नंबर ऑफ डिजिट में। अब हम लोग इस दोनों में कंपेयर करते हैं। किधर से कंपेयर करते हैं? तो लेफ्ट साइड से कंपेयर करते हैं। यहां पे लेफ्ट में 1 है और यहां पे लेफ्ट में 3 है। तो 1 छोटा हुआ या 3? तो बोलोगे सर 1 छोटा हो गया। इसका मतलब इस दोनों में कंपेयर करें तो 100 क्या आ गया? तो 100 स्मॉलेस्ट आ गया। यहां से हम लोग कह सकते हैं 100 इज द स्मॉलेस्ट। बातें समझ में आ रही है? अब इसको चेक करो। अब इसमें देखो कि अगर हम नंबर ऑफ डिजिट के बेस पे चेक करें क्या दिख रहा है, यहां से एक चीज करो, इसका आंसर इसमें आएगा तो इसको जरा ऊपर कर लो या यहीं पे साइड में हम लोग लिख लेते हैं। वन हंड्रेड इज द स्मॉलेस्ट। ओके, अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखो, इसमें चेक करते हैं नंबर ऑफ डिजिट। चेक करो कितना आ गया, 1, 2, 3, 4 यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे 1, 2, 3 और यहां पे 1, 2, 3, 4 और यहां पे 1, 2, 3। यहां पे देखो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट किसके पास है? इसके पास है। कितना है? तो 5 डिजिट का नंबर है। 5 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ये जो नंबर है वो क्या कहलाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर कहलाएगा। इसका मतलब 75,284 इज द ग्रेटेस्ट। ओके, ये ग्रेटेस्ट पता चल गया। अब स्मॉलेस्ट देखो, नंबर ऑफ डिजिट के बेस पे चेक करते हैं। यहां पे अभी 3 डिजिट का नंबर, अब नंबर ऑफ डिजिट तो सेम हो गया। तब क्या करते हैं हम लोग? लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब वंस टेंस थाउजेंड्स। यहां पे देखो थाउजेंड के प्लेस पे क्या है? 1 है। यहां थाउजेंड के प्लेस पे क्या है? 4 है। अब हमें यहां पे वंस टेंस हंड्रेड, यहां पे क्या है? 100। 100 के प्लेस पे क्या है? 1 है। और यहां पे भी वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड के प्लेस पे क्या है? 4 है। तो इसको चेक करो, इसका मतलब 1 जो है वो स्मॉलर हो गया 4 के कंपैरिजन में। तो हम लोग कह सकते हैं कि 111 ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ओके, यहां से आ गया आपको 111 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, अब इस पे आ जाओ। इसमें आप नंबर ऑफ डिजिट चेक करो, कितना है? 4 डिजिट का नंबर, फिर 4 डिजिट का नंबर, फिर 4, ये 5 डिजिट का नंबर और ये 2241 5 डिजिट का नंबर। ये भी देखो 4 डिजिट का नंबर है, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 डिजिट का नंबर और ये 3 डिजिट का नंबर। अब देखो नंबर ऑफ डिजिट के बेस पे अगर हम बात करें, ये 5 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं 12,002 इज द ग्रेटेस्ट। ओके, और इस पे आ जाओ। अब यहां पे देखो कि 1, 2, 3 ये ओनली डिजिट का नंबर 124 है, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि 124 क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा।
अब यहां से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि हम लोग बड़ा कैसे चुनेंगे, छोटा कैसे चुनेंगे। अब आगे चलते हैं। अगला है, वर्ड जस्ट लुक एट द नंबर्स ऑफ डिजिट्स एंड फाउंड द आंसर। मतलब का वी जस्ट लुक्ड, हमने क्या किया, सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स को देखा और हमने आंसर फाउंड कर लिया या आंसर फाइंड कर लिए। कहा गया कि द ग्रेटेस्ट नंबर हैज द मोस्ट थाउजेंड्स। हमने ये देखा कि ग्रेटेस्ट नंबर के पास सबसे ज्यादा थाउजेंड है, एंड द स्मॉलेस्ट इज ओनली इन हंड्रेड्स और इन टेंस। स्मॉलेस्ट नंबर या तो हंड्रेड्स में था या तो टेंस में था। कहा गया कि मेक फाइव मोर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस काइंड्स एंड गिव टू योर फ्रेंड्स टू सॉल्व। मतलब कहा गया कि इस तरह के टोटल फाइव प्रॉब्लम लो, मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्रिएट करना है और आपको अपने फ्रेंड से शेयर करना है, उसे सॉल्व करने के लिए उसे कहना है। आगे चलते हैं। नाउ हाउ डू वी कंपेयर 4875 एंड 3542। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 4875 और 3542 को कंपेयर कैसे करेंगे। अब कैसे कंपेयर करेंगे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहां पे, लेकिन हम अपने लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं। यहां पे समझो, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स को देखते हैं। यहां पे कितना है नंबर ऑफ डिजिट, 1 2 3 4। यहां पे कितना है, 1 2 3 4। इसका मतलब ये भी 4 डिजिट का नंबर और ये भी 4 डिजिट का नंबर। बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सेम है, अब क्या करेंगे। अब हम लोग चलते हैं यहां पे आ जाते हैं। अब यहां पे भी सेम है नंबर ऑफ डिजिट और यहां पे भी सेम है नंबर ऑफ डिजिट्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। यहां पे देखो, इसके सबसे लेफ्ट साइड पे कितना है, 4 है, और इसके लेफ्ट साइड पे कितना है, 3 है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 4 ग्रेटर हो जाएगा 3 के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये जो नंबर है ये ग्रेटर हो जाएगा इस नंबर से। ओके, बातें समझ में आ गई। अब यहां पे कहा गया कि दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों, क्योंकि कहा गया कि दिस टू नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। इस दोनों नंबर के पास सेम नंबर ऑफ डिजिट है, इसके पास भी 4 डिजिट है और इसके पास भी 4 डिजिट है। आगे कहा गया कि दे आर बोथ इन थाउजेंड्स, दोनों थाउजेंड्स में है, और कहा गया कि बट द डिजिट्स एट द थाउजेंड प्लेस इन 4875 इज ग्रेटर देन इन। देखो, इसके पास जो थाउजेंड के प्लेस पे नंबर है वो कितना है, 4 है, और इसके पास जो थाउजेंड के, यहां पे थाउजेंड के पास जो नंबर है वो क्या है, 3 है, और 4 ग्रेटर हो गया 3 से। कहा गया कि देयरफॉर 4875 इज ग्रेटर देन 3542। बातें समझ में आ गई क्यों हुआ। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि नेक्स्ट टिल व्हिच इज ग्रेटर। अब आप में इस दोनों में आपसे कंपेयर करके पूछा गया कि बताओ कौन सा ग्रेटर है। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट चेक करो, कितना है, 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर। ये कितना है, 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर। इसके बाद हम लोग किसको चेक करेंगे, यहां पे देखो, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, यहां पे भी थाउजेंड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, यहां पे भी थाउजेंड। अब गौर से देखो, थाउजेंड के प्लेस पे यहां पे कितना है, 4 है, और यहां भी 4 है। बोलोगे सर थाउजेंड तो सेम हो गया, अब क्या करें। अब आपको चेक करना है हंड्रेड के प्लेस पे। यहां पे देखो, यहां 100 के प्लेस पे 5 है और यहां पे 100 के प्लेस पे क्या है, 8 है। इसका मतलब 8 ग्रेटर हो गया किससे, तो 8 ग्रेटर हो गया 5 के कंपैरिजन में। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 4875 ये ग्रेटर हो जाएगा किससे कंपैरिजन में, 4542, इसका मतलब 4542 के कंपैरिजन में। ओके, अब इसी को यहां पे बताया गया, हेयर टू द नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। मतलब यहां जो नंबर दिए गए वो सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के हैं। फर्दर द डिजिट्स एट द थाउजेंड प्लेस आर द सेम इन बोथ। मतलब कहा गया कि दोनों में थाउजेंड प्लेस के डिजिट, मतलब थाउजेंड प्लेस पे जो नंबर है वो दोनों में सेम है। कहा गया कि एट द प्लेस, यहां पे ये बोथ तक बता दिए, व्हाट डू वी डू देन, तब हमने क्या किया। कहा गया कि वी मूव टू द नेक्स्ट डिजिट। अब हमने नेक्स्ट डिजिट पे मूव किया, मतलब थाउजेंड के पास किस, थाउजेंड के बाद किस पे, हंड्रेड पे। कह रहे कि व्हाट इज टू द डिजिट एट द हंड्रेड प्लेस, द डिजिट एट द हंड्रेड प्लेस इज ग्रेटर देन इन 4875 देन इन 4542। मतलब कहा गया जब हम हंड्रेड प्लेस पे गए तो वहां पे हमने देखा कि यहां से 4875 का जो हंड्रेड डिजिट है वो ग्रेटर हो जाता है 4542 के कंपैरिजन में। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर 4875 इज ग्रेटर देन 4542। ओके, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे कि कैसे हम लोग नंबर को कंपेयर करके बड़ा और छोटा जानते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहा गया कि इफ द डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस आर आल्सो सेम इन द टू नंबर्स देन व्हाट डू वी डू। मतलब कहा गया कि अगर हंड्रेड, मतलब हंड्रेड प्लेस का जो डिजिट्स है वो भी अगर सेम आ गया तब क्या करेंगे। सिंपल बात है, तब टेंस के तरफ आएंगे। अब बोलोगे सर अगर टेंथ का डिजिट भी सेम हो गया तब क्या करेंगे, तब वंस पे आएंगे।
वहां से हम लोग कंपेयर कर लेंगे। बातें समझ में आ गई, अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया कि कंपेयर 4875 एंड 4889, ऑल्सो कंपेयर इतना। अब दोनों को कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करोगे? सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट चेक करो, ये कितने डिजिट का नंबर, 1234, ये भी कितने डिजिट का नंबर, 1234, दोनों के सेम नंबर ऑफ डिजिट है। अब हम लोग चलते हैं, वंस टेन्स हंड्रेड थाउजेंड, यहां पे थाउजेंड के प्लेस पे क्या है, फोर है, यहां पे भी थाउजेंड के प्लेस पे क्या है, फोर है, इसका मतलब थाउजेंड प्लेस का नंबर सेम हो गया। अब हम लोग चलते हैं हंड्रेड के प्लेस पे, यहां हंड्रेड के प्लेस पे एट और यहां भी हंड्रेड के प्लेस पे एट, अब हंड्रेड प्लेस का भी डिजिट सेम हो गया। अब हम लोग चलते हैं टेंस प्लेस पे, यहां पे टेंस प्लेस पे सेवन और यहां पे टेंस प्लेस पे एट, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एट ग्रेटर हो गया सेवन से, इसका मतलब 4889 इज ग्रेटर देन 4875। बातें समझ में आ रही है? अब कहा गया कि ऑल्सो कंपेयर इसको, इसको कंपेयर करो, सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट चेक करो, 1234 फोर डिजिट का नंबर, 1234 फोर डिजिट का नंबर, डिजिट सेम है। अब हमें चेक करना है थाउजेंड को, थाउजेंड के प्लेस पे यहां कितना, फोर और यहां कितना, फोर, अब दोनों का थाउजेंड प्लेस भी सेम है। अब हम चलते हैं हंड्रेड के प्लेस पे, यहां पे हंड्रेड के प्लेस पे एट, यहां भी हंड्रेड के प्लेस पे एट, अब बोलोगे सर हंड्रेड प्लेस भी तो सेम हो गया। अब हम लोग चलते हैं टेंथ के प्लेस पे, यहां पे टेंथ में देखो सेवन है, यहां भी सेवन, अब बोलोगे सर टेंथ प्लेस भी सेम हो गया। अब चलते हैं यूनिट प्लेस पे, यूनिट फाइव और यहां पे यूनिट नाइन, इसका मतलब नाइन ग्रेटर हो जाएगा फाइव से, तो हम लोग लिख सकते हैं 4879 इज ग्रेटर देन 4875। कंपेयर करना सीख गए नंबर्स को, अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, मतलब कहा गया कि कितने नंबर्स आप बना सकते हो। कहा गया कि सपोज वी हैव फोर डिजिट, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास फोर डिजिट है, क्या सब, तो 7, 8, 3 और 5, 7, 8, 3, 5 आपके पास फोर डिजिट दे दिया गया। कहा गया कि यूजिंग द डिजिट्स वी वांट टू मेक डिफरेंट फोर डिजिट नंबर इन सच ए वे दैट नो डिजिट इन रिपीट इन देम, मतलब कहा गया कि इस चार डिजिट का यूज करते हुए हमें डिफरेंट टाइप के फोर डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं, और इस तरीके से होना चाहिए कि नंबर ऑफ ये डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ओके, अब कहा गया कि 10, 7, 8, 3, 5 इज अलाउड, मतलब 7, 8, 3, 5 अलाउड है, बट 7, 7, 3, 5 इज नॉट, मतलब कहा गया कि 7, 7, 3, 5 कहने का मतलब क्या, 7 यहां पे रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अब इसका यूज करते हुए नंबर बनाना है। कहा गया कि मेक एज मेनी फोर डिजिट नंबर्स एज यू कैन, अब जितना बना सकते हो उतना नंबर बनाओ फोर डिजिट का, विच इज ग्रेटेस्ट नंबर यू कैन गेट, और आपको सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। अब यहां पे देखो कि 7, 8, 3, 5 से मिलकर के हमें नंबर बनाना है, 7 डिजिट क्या है, 7, 8, 3 और 5 ये आपको डिजिट दिए गए। अब बताओ इससे पहला नंबर क्या बना सकते हो, पहला नंबर अब यहां पे बनाया गया 7, 8, 3, 5, ये एक नंबर हम लोग 7, 8, 3, 5 बना लेते हैं, और नंबर क्या बना सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 8, 7, 3 और 5, ये नंबर भी आ गया। इसके बाद अगर हम चेंज करना चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, 3, 8, 7 और 5, ये भी एक नंबर बन गया। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 5, 8, 5, 8 आ गया, इसके बाद 3, 7, ये भी नंबर बन गया, और हम लोग चाहे तो बहुत सारा नंबर यहां से बना सकते हैं। ओके, अब हमें जितने, अब देखो इससे और भी आगे आप नंबर बना सकते हो। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर यू कैन गेट, मतलब देखो सबसे बड़ा नंबर आपको क्या मिल गया, तो सबसे बड़ा नंबर की अगर हम बात करें तो ये आपको आ जाएगा 8, 7, 5 और 3, ये नंबर जो होगा ये क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ओके, इट मींस जी से यहां पे हम लिख लेते हैं ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। ओके, अब हमें पूछा गया कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 3, 5, 7 और 8, ये नंबर हो गया स्मॉलेस्ट, ये नंबर स्मॉलेस्ट हो गया। ओके, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट आपको मिल गया। अब क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया, ये तो ग्रेटेस्ट यहां तक हमने कर दिया, अब कहा गया कि थिंक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द डिजिट्स इन बोथ, कहा गया कि दोनों में जो आपने डिजिट को अरेंज किया उसके बारे में सोचे, यू कैन ऑल्सो हाउ द लार्जेस्ट नंबर इज फॉर्म्ड, लार्जेस्ट नंबर कैसे बना ये पूछा गया, और राइट डाउन योर प्रोसीजर
और आपको इसके लिए आपने क्या प्रोसीजर यूज किया वो भी लिखना है। अब एक बात बताओ कि हमने इसको क्यों ग्रेटेस्ट कहा और इसको क्यों स्मॉलेस्ट कहा, बातें तो नहीं समझ में आई होगी। अब इसको यहां से समझो। अब एक चीज गौर से देखो कि फोर डिजिट का नंबर है, इसका मतलब वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड तक का ही होगा। तो जब हमें ग्रेटेस्ट लिखना था तो यहां पे आप गौर से देखो, थाउजेंड के प्लेस पे हमने सबसे बड़े डिजिट को लिया, इट मीन्स एट को लिया। इसके बाद हमने हंड्रेड के प्लेस पे उसके बाद का जो ग्रेटेस्ट डिजिट था इसका मतलब सेवन को लिया। इसके बाद हमने टेंस के प्लेस पे फाइव को लिया और इसके बाद हमने यूनिट के प्लेस पे थ्री को लिया। इसीलिए ये नंबर क्या बन गया, ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, इसका मतलब 8753। ओके, अब चलो स्मॉलेस्ट के बारे में सोचो। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बन गया, हमने स्टार्ट किया देखो, थाउजेंड के प्लेस पे सबसे छोटा नंबर को लिया, इसके बाद हंड्रेड के प्लेस पे उससे बड़ा नंबर लिए, इसके बाद टेंस के प्लेस पे उससे बड़ा नंबर लिए और सबसे बड़ा जो डिजिट था एट उसको हमने यूनिट प्लेस पे लिया, तो यहां से स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। बातें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अगला है आपका टॉपिक, ट्राई दिस, यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशंस एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। मतलब कहा गया कि इस डिजिट का यूज करते हुए बगैर डिजिट को रिपीट करते हुए आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अब देखो अगर इसका यूज करते हुए हम लोग बनाते हैं 2875, यहां पे सॉल्व करते हैं 2874। हमने क्या बताया कि अगर हमें ग्रेटेस्ट बनाना हो, अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो तो क्या करेंगे, शब्द यहां पे देखो फोर डिजिट का नंबर है, इसका मतलब थाउजेंड तक आएगा, तो हमने स्टार्ट करना है सबसे पहले एट को लेंगे, इसके बाद सेवन को लेंगे, इसके बाद फोर को लेंगे और इसके बाद टू को लेंगे और ये जो नंबर बनेगा वो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। और अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो पहले हम लोग टू को लेंगे, इसके बाद फोर को, इसके बाद सेवन को और इसके बाद एट को। ओके, ये बातें समझ में आ गई। अब चलो बी को सॉल्व करते हैं, ये तो ए रहा, अब बी में आ जाओ। अब बी को देखो गौर से, हमें नंबर दिया गया 9741, हमें पहले ग्रेटेस्ट बनाना है। अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो क्या लिख सकते हो, यहां से पहले 9 को लो, इसके बाद 7 को लो, इसके बाद 4 और इसके बाद 1, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले 1 को लेंगे, फिर 4 को लेंगे, फिर 7 को लेंगे और इसके बाद 9 को लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब दो तो बन गया, अब सी में आ जाओ। सी में आपको दिया हुआ है 4750, 4750 और 0। ओके, अब हमें क्या करना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले सबसे थाउजेंड के प्लेस पे सबसे बड़ा नंबर लेना है, क्या है, फाइव है, सॉरी सबसे बड़ा नंबर सेवन है, इसके बाद फाइव है, इसके बाद फोर है और इसके बाद जीरो है। ओके, अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होगा, तो अब बोलोगे सर पहले जीरो को ले लेते हैं, जीरो सबसे शॉर्टेस्ट है, बिल्कुल नहीं, ये गलती कभी नहीं करना। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे जीरो फोर फाइव और सेवन, अब ये कितने डिजिट का नंबर बन गया, ओनली थ्री डिजिट का नंबर, इसीलिए इसको हम लोग नहीं ले सकते जीरो को पहले, हमें क्या करना होगा, कोई छोटा नंबर लेना होगा पहले जीरो के बाद, तो फोर सबसे छोटा है, अब फोर आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा, इसके बाद फाइव और इसके बाद सेवन, ये बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका सी के बाद डी में आ जाते हैं। अब डी को सॉल्व कर लो, यहां 17 कितना दिया गया, 1762, हम पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं, क्या आ जाएगा, तो पहले हो जाएगा 7, इसके बाद 6, इसके बाद 2 और इसके बाद 1, ग्रेटेस्ट मिल गया। अब स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो पहले 1, फिर 2, फिर 6 और फिर 7। ओके, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट मिल गया। अब ई है क्वेश्चन, ई को यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। ई में हमें क्या दे रखा है, तो 5 4 0 और 3, हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, 5 लेंगे, इसके बाद 4, इसके बाद 3 और इसके बाद 0, ग्रेटेस्ट बन गया। अब स्मॉलेस्ट बनाना है, तो आप बोलोगे सर पहले 0 को ले लीजिए ना, नहीं लेंगे 0 को पहले, क्योंकि अगर 0 को लेंगे तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो पहले हम लोग 3 को लेते हैं, इसके बाद 0 को लेंगे, इसके बाद 4 और ये 5 आ जाएगा, तो आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट मिल गया नंबर। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।
यहाँ पे सेकेंड में आपको कहा गया कि मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बाई यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस. मतलब कहा गया कि किसी एक डिजिट को दो बार लेते हुए आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. कैसे बनाएंगे, यहां से समझो आप. यहां पे फोर्थ डिजिट का नंबर बनाना है और हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, थ्री हैं. अब कैसे बनाएंगे, अब इसको समझो. यहां पे हमें नंबर्स दे रखे हैं, ए में टू एट और सेवन, और हमें क्या कहा गया कि एक डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं. तो हम पहले ग्रेटेस्ट बनाते हैं. अगर ग्रेटेस्ट नंबर आप फाइंड करोगे क्या आ जाएगा, अब किसको रिपीट करना चाहोगे. तो अब बोलोगे सर अगर 8 को रिपीट करें तो बड़ा नंबर बन जाएगा. तो हम लोग क्या करते हैं, 1000 के प्लेस पे भी 8 को रखते हैं, 100 के प्लेस पे भी 8 को रखते हैं, इसके बाद 7 को रखते हैं और इसके बाद 2 को रखते हैं. ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा. अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ. तो जरा सा अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो पहले हम लोग 2 को रखते हैं. अब एक बात बताओ कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इसका मतलब सबसे छोटे वाले नंबर को दो बार कर ले, छोटा हो जाएगा. इसका मतलब 1000 के प्लेस पे भी सबसे छोटे नंबर को रखें और 100 के प्लेस पे भी सबसे छोटे नंबर को रखें. तो 2 और यहां पे भी आप ले लो 2 और इसके बाद 7 और 8, ये आ गया आपको स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे. बी में आपको दिया गया है 905, 9, 0 और 5 3 दिया हुआ है. हमें पूछा गया ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालने के लिए और कहा गया कि किसी एक डिजिट को रिपीट किया जा सकता है. अगर हम लोग ग्रेटेस्ट निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा 9, 9, 5 और 0, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा. अगर स्मॉलेस्ट बनाना हो तो स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग लिख सकते हैं 5, 0, 0 और 9, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा. ओके, अब चलो थर्ड नंबर पर आ जाते हैं. सी में आपको दिया हुआ है 049, 0, 4 और 9. ओके, अब 049 है तो पहले ग्रेटेस्ट देखो. अगर ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो सबसे बड़ा डिजिट क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है. सबसे बड़ा नंबर 9 दिख रहा है, 9 को रिपीट कर लेते हैं. इसका मतलब ये आ जाएगा 9, 9, 4 और 0, ग्रेटेस्ट हो जाएगा. और स्मॉलेस्ट बनाना हो तो क्या आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 4, 0, 0 और 9, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा. ओके, अब डी पे आ जाते हैं. डी में आपको दिया गया है डी क्या सब दिया गया है, तो 8, 5 और 1. हमें कहा गया ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इक्वल्स टू आप ले सकते हो किसी एक डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, सबसे बड़े डिजिट को रिपीट करेंगे. यहां से 8 हमें सबसे बड़ा नंबर है, तो 8, 8, 5, 1 ग्रेटेस्ट हो जाएगा. और स्मॉलेस्ट ले लो, अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो यह आ जाएगा आपको 1, 1, 5, 8, ये आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया. ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है थर्ड नंबर में कि मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग एनी फोर डिफरेंट डिजिट्स विथ कंडीशंस आर गिवन. अब कंडीशन आपको दिया गया है और कंडीशन के बेस पे आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने, मतलब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं. कैसे फाइंड करेंगे, कहा गया कि डिजिट 7 इन इज ऑलवेज एट वंस प्लेस. अब डिजिट 7 हमेशा वंस प्लेस पे होना चाहिए. अब देखो कि वंस, यहां पे गौर से देखो, वंस क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड. इसका मतलब वंस प्लेस पे देखो आपको 7 दिखाई दे रहा है. ओके, और हमें क्या करना है, हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. तो ग्रेटेस्ट नंबर अगर बनाना है तो यहां से आप ले सकते हो 3. मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग एनी फोर डिफरेंट डिजिट्स विद कंडीशन एज गिवन. अब कोई भी, अब यहां से देखो, द डिजिट 7 इज ऑलवेज एट द वंस प्लेस. हमने वंस प्लेस पे 7 को रख लिया. अब बनाना क्या है, ग्रेटेस्ट. और हमें क्वेश्चन में यह फ्रीडम दिया गया कि हम लोग कोई भी डिजिट का यूज कर सकते हैं. हम लोग को सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो सबसे, आपको पता है कि वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है वो 1 होता है, सॉरी 9 होता है, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 1 होता है. तो हम लोग क्या करें, ग्रेटेस्ट नंबर को चुने. तो यहां से 9 आ गया, फिर 8 आ गया और फिर 7 आता, लेकिन यहां पे 7 के बारे में कहा गया कि 7 यूनिट प्लेस पे है, तो यहां पे 6 आ गया. इसका मतलब ग्रेटेस्ट नंबर हो गया. ओके, अब चलो आप स्मॉलेस्ट नंबर में देखो. स्मॉलेस्ट नंबर में भी कंडीशन क्या है कि यूनिट प्लेस पे 7 आना चाहिए, तो हमने 7 को यूनिट प्लेस पे रख लिया.
अब थ्री प्लेस वैकेंट है, तो हमें स्मॉलेस्ट ढूंढना है, तो ये आ जाएगा 1, 0 और 2, तो ये आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, अब आगे चलते हैं। अब इसमें आ जाओ, अब कंडीशन को देखो और क्वेश्चन में जैसा कहा सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या कहा गया कि डिजिट 4 इज ऑलवेज एट द टेंस प्लेस। यहां पे देखो टेंस प्लेस पे हमने 4 रख लिया और यहां पे हमने टेंस प्लेस पे 4 को रख लिया। हमें क्या चाहिए? ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए तो सबसे यहां पे पहले हम लोग 9 लेंगे, इसके बाद 8 लेंगे और इसके बाद 7 लेंगे, तो ये ग्रेटेस्ट बन जाएगा। अब स्मॉलेस्ट बनाना है, क्या लेंगे? तो पहले 1 लेंगे, पहले क्या करेंगे 1 लेंगे, इसके बाद 0 लेंगे और इसके बाद 2 लेंगे, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब कहा गया कि डिजिट 9 इज ऑलवेज एट द हंड्रेड प्लेस, मतलब 9 हमेशा 100 प्लेस पे होना चाहिए। तो 9 यहां भी 1s 10s 100 के प्लेस पे, 1s 10s 100 के प्लेस पे 9। अब यहां पे क्या कहा गया? ग्रेटेस्ट बनाना है। ग्रेटेस्ट के लिए अब 3 डिजिट कौन सा यूज कर सकते हैं? तो एक 8 यूज कर सकते हैं, 9 तो यूज कर चुके हैं, एक 7 यूज कर सकते हैं और एक 6 यूज कर सकते हैं, ये ग्रेटेस्ट बन जाएगा। अब स्मॉलेस्ट, अगर स्मॉलेस्ट लेना है तो यहां पे क्या कर सकते हैं? पहले 1 आ गया, फिर 9 आ गया, इसके बाद 0 ले सकते हैं, अब इसके बाद 2 ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अब डी में आपसे पूछा गया कि डिजिट 1 इज ऑलवेज एट 1000 प्लेस, मतलब डिजिट 1 हमेशा 1000 प्लेस पे होना चाहिए। 1s 10s 100 1000 प्लेस पे 1, 1s 10s 100 1000 प्लेस पे 1। हमें चाहिए ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट चाहिए तो यहां पे आप 9 रख लो, यहां 8 रख लो और यहां पे 7 रख लो, ग्रेटेस्ट बन जाएगा। अब स्मॉलेस्ट में क्या करोगे? 1 आ ही गया तो यहां पे 0 रख लो, यहां 2 रख लो और यहां 3 रख लो, ये क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया कि टेक 2 डिजिट्स से 2 एंड 3, मतलब कहा गया कि 2 डिजिट लेने के लिए माना गया आप 2 और 3 ले सकते हो। कह रहा है कि मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। अब कहा गया कि इसको, इस 2 डिजिट को लेते हुए आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है और क्वेश्चन में कहा गया कि यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, इसका मतलब जितना बार आप 2 का यूज करोगे उतना ही बार आपको 3 का भी यूज करना होगा। तो सबसे पहले कहा गया कि विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब बोलोगे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? तो यहां पे देखो हमें नंबर क्या है, 2 और 3 है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो इसको 3 3 और 2 2 लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। अब कहा गया कि विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 2 3 और 3, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। अब यहां पे इसको पॉइंट मत समझना, ये पॉइंट नहीं है, ये ऐसे ही आ जाता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 3 और 2 2, और जब स्मॉलेस्ट निकला हो तो 2 2 3 3। बातें समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं। कहा गया कि हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल। अब नेक्स्ट है आपका स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। अब प्रॉपर ऑर्डर में कैसे स्टैंड करेंगे? हु इज द टॉलेस्ट। अब यहां पे गौर से देखो, पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन टॉलेस्ट है। टॉलेस्ट का मतलब जो सबसे ज्यादा लंबा हो। अब देखो यहां पे रामहरि का हाइट कितना है? 160 सेंटीमीटर। डॉली का हाइट 154 सेंटीमीटर। मोहन का हाइट 158 सेंटीमीटर और शशि का हाइट 159 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया कि टॉलेस्ट कौन है, इसका मतलब जिसका हाइट सबसे ज्यादा वही टॉलेस्ट। यहां पे सबसे ज्यादा हाइट किसका? अब बोलो कि सर 160 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा हाइट, इसका मतलब राम हरि जो होगा वो टॉलेस्ट हो जाएगा। यहां से आ जाएगा राम हरि। ओके, अब दूसरे पे आ जाओ। कहा गया कि हु इज द शॉर्टेस्ट। अगर शॉर्टेस्ट की बात करें, देखो सबसे कम हाइट किसका है? बोलोगे सर इसका 54, इसका 58 और इसका 59। तो सबसे कम हाइट किसका? डॉली का, क्योंकि ये 154 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब डॉली के यहां पे आ जाएगा डॉली। ओके, डॉली का हाइट सबसे कम। आगे कहा गया कि कैन यू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। कहा गया कि उसके हाइट के बेस पे क्या आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही हम लोग एसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, यहां पे कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके,
अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा को लेंगे, इसके बाद उससे बड़ा, इसके बाद उसके बड़ा, और इसके बाद सबसे बड़ा। यहां पे देखो सबसे छोटा कौन है, अब बोलोगे सर डॉली है, डॉली का हाइट कितना है 154 सेंटीमीटर, और डॉली से बड़ा, तो डॉली से बड़ा बोलोगे सर मोहन है, क्योंकि इसका हाइट 158 सेंटीमीटर। अब मोहन से बड़ा कौन है, बोलोगे सर शशि है, क्योंकि इसका हाइट 159 सेंटीमीटर। और सबसे ज्यादा हाइट किसका है, रामहरि का है, कितना तो 160 सेंटीमीटर, यहां पे 160 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ओके, तो पहले हमने किसको रखा, तो पहले हमने अगर नेम वाइज आप करना चाहते हो तो पहले हमने किसको रखा, तो 154 इट मींस डॉली। इसके बाद डॉली के बाद 158 मोहन, इसके बाद मोहन के बाद कौन, शशि, और सबसे लास्ट में रामहरि, रामहरि। बातें समझ में आ गई। अब चलो, अब क्वेश्चन में ये तो हमने सॉल्व कर दिया, नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि कैन यू अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, क्या उसके हाइट के बेसिस पे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये रहा इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, पे क्या आ गया, तो सबसे पहले आ जाएगा 160, इसके बाद 159, इसके बाद 158, और इसके बाद 154। ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, अब इसमें चाहो तो आप नेम वाइज भी लिख सकते हो, पहले रामहरि, फिर शशि, फिर मोहन, और लास्ट में डॉली। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहां पे आपको दिया गया, ये अलमीरा दिख रहा है, ये गोदरेज समझ सकते हो, ये गोदरेज है। यहां पे इसका प्राइस कितना है, 2635, इसका प्राइस 1897, इसका प्राइस 2854, ये 1788, और इसका 3975। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि विच टू बाय, सोहन एंड रीता वेंट टू बाय एन अलमीरा, दे वेयर मेनी अलमीराज अवेलेबल विथ देयर प्राइस टैग। मतलब कहा गया कि सोहन और रीता अलमीरा बाय करने जाता है, और यहां पे आप बहुत सारा अलमीरा दिखा गया, वो भी प्राइस टैग के साथ, सबका प्राइस नीचे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कैन यू अरेंज देम देयर, अरेंज देयर प्राइसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कहा गया कि क्या इसके प्राइस को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें सबसे छोटा वाले को पहले लिखना होगा, स्मॉलेस्ट कौन सा है। अब बोलोगे सर यहां पे 2000, यहां भी 1000, यहां 2000, यहां 1000। अब पहले 1000 वाले में आ जाते हैं, ये 1700, ये 1800, इसका मतलब 1700 स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो पहले आप ले लो 1788 को। ओके, और इससे बड़ा कौन हो जाएगा, तो 1897। अब इस दोनों में तो आ गए, अब इसमें आ जाओ, इसका भी काम खत्म, इसके बाद काम खत्म। यहां भी 2000, यहां भी 2000, 1000 का प्लेस सेम है, यहां भी 800, यहां 600, इसका मतलब ये छोटा हो गया, तो इसको आप लिख सकते हो यहां से 2635। इसके बाद क्या आ जाएगा, तो 2854, और सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा, 3975। यहां से आपको समझ में आ गया कि हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। अब कहा गया कि कैन यू अरेंज देम देयर प्राइस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, बिल्कुल कर सकते हैं। डिक्रीजिंग में क्या करते हैं, पहले ग्रेटेस्ट को लिखते हैं, लास्ट में स्मॉलेस्ट को लिखते हैं। ग्रेटेस्ट क्या होगा, 3975, और इसके बाद 2854, इसके बाद 2635, और इसके बाद 1897, और सबसे लास्ट में 1788। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आप इंक्रीजिंग भी सीख गए और डिक्रीजिंग भी सीख गए, इसी को हम लोग एसेंडिंग और डिसेंडिंग कहते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। अब यहां से देखो आपको बताया गया कॉन्सेप्ट एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। किसको कहेंगे एसेंडिंग ऑर्डर,
कहा गया कि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। जब हम लोग स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर अरेंज करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। और डिसेंडिंग का मतलब, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर चलेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे आपको कहा गया कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स, मतलब क्या कह रहा है कि गिवन नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहां से फर्स्ट नंबर हमको दिया गया 847, थर्ड नंबर दिया 8320 और फोर्थ नंबर दिया गया 571। पहले नंबर को आप ले लो यहां पे। नंबर ए ये हमें दे रखा है, एट फोर्टी सेवन, इसके बाद 8320 और इसके बाद 571। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लो, आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, उस ऑर्डर को स्मॉलेस्ट, उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब यहां पे देखो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 847 भी थ्री डिजिट का नंबर और 571 भी थ्री डिजिट का नंबर, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, 571 हो जाएगा, क्योंकि इसके 100 के प्लेस पे 5 है और इसके 100 के प्लेस पे 8 है। तो पहले आप 871 को ले लो, सॉरी पहले आप 571 को ले लो, 571, और इससे इसके बाद क्या आएगा, 847, इसके बाद क्या आ जाएगा, अब देखो कि 9754 और 8320 दोनों सेम डिजिट का नंबर है, इसके पास भी फोर डिजिट है और उसके पास भी फोर डिजिट है। इसका मतलब हमें क्या करना है, थाउजेंड के प्लेस को चेक करना है, यहां 9000 और यहां 8000, इसका मतलब 8000 स्मॉलेस्ट हो जाएगा। आप यहां से कह सकते हो 8320 और इसके बाद क्या आ जाएगा, तो 9754, यही ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है बी में, इसके बाद 25751, इसके बाद 36501 और इसके बाद 38802। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, अब यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर चुनना है। सबके पास देखो यहां पे फोर डिजिट, यहां फाइव डिजिट, यहां भी फाइव डिजिट और यहां भी फाइव डिजिट, इसका मतलब स्मॉलेस्ट क्या होगा, 9801, क्योंकि ये फोर डिजिट का नंबर है, पहले आप लिख लो 9801। ओके, इसके बाद आगे चलो। अब यहां पे देखो ये भी फाइव डिजिट का नंबर, ये भी फाइव डिजिट का नंबर और ये भी फाइव डिजिट का नंबर, हम किसको चेक करेंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड के प्लेस पे देखो कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो 10,000 के प्लेस पे देखे यहां 2 है और फिर 33 है, तो मतलब 2 छोटा हो गया 3 से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके बाद आ जाएगा 25751। अब इसका भी काम खत्म है और इसका भी काम खत्म है, इस दोनों का वर्क हो गया। अब इस पे आ जाओ, अब यहां पे देखो 10,000 के प्लेस पे 3 और यहां भी 10,000 के प्लेस पे 3, अब 1000 के प्लेस पे चेक करो, यहां 1000 के प्लेस पे 6 और यहां 1000 के प्लेस पे 8, 10,000 के प्लेस पे 8 है, तो इसको आप लिख सकते हो 36501 पहले होगा और ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, तो 38802। ये आपका प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, यहां पे देखो ए को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हम लोग डिसेंडिंग में क्या करते हैं, तो ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे चलते हैं. यहां पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें नंबर ऑफ डिजिट चेक करो, ये भी फोर डिजिट का नंबर, ये भी फोर डिजिट का नंबर, ये फाइव डिजिट का नंबर, ये भी फोर डिजिट का नंबर. तो पहले आप फाइव डिजिट का नंबर ले लो, 85400. ओके, ये आ गया. इससे बड़ा क्या होगा, ये सबसे बड़ा हो गया. अब इसके बाद यहां पे आ जाओ 5000 7500 7861. इसका मतलब यहां से इसके बाद आ जाएगा 7861, इसके बाद 7500 और इसके बाद 5000. ये ऑर्डर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, अब हम लोग चलते हैं बी में. अगर बी की बात करें यहां पे देखो, ये फोर डिजिट का नंबर, ये फाइव डिजिट का नंबर, ये भी फाइव डिजिट का नंबर और ये भी फाइव डिजिट का नंबर. हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हमें ग्रेटेस्ट चुनना होता है. तो फाइव डिजिट के नंबर में देखो कि 10,000 के प्लेस पे क्या है, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000. तो पहले नाइन वाले को लेंगे तो आ जाएगा 92547. ओके, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 88715, इसके बाद 45321 और इसके बाद 1971. यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका शिफ्टिंग डिजिट्स. कहा गया कि हैव यू थॉट व्हाट फन इन वर्ल्ड्स बी इफ द डिजिट्स इन अ नंबर कुड शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. क्या कहा गया कि आपने कभी ऐसा सोचा कि अगर डिजिट को शिफ्ट कर दिया जाए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कितना मजा आएगा. कहा गया कि 82, मतलब कहा गया सोचो कि 182 के साथ आप क्या कर सकते हो. कहा गया कि इट कुड बिकम्स एज लार्जर एज 821, मतलब 182 को अगर आप चाहो तो लार्जर नंबर बनाना चाहोगे तो इसको 821 बना सकते हो, और 182 को अगर आप स्मॉलर नंबर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना चाहते हो तो 128 बना सकते हो. ट्राई दिस विथ 391. अब देखो 391 की अगर बात करें तो अगर हम इसको लार्जर नंबर बनाना चाहेंगे, लार्जर नंबर बनाना चाहेंगे ये 931 आ जाएगा. अगर इसको हम लोग स्मॉलर नंबर बनाना चाहेंगे 139 हो जाएगा. बातें समझ में आ रही है. अब आगे चलते हैं. कहा नाउ थिंक अबाउट दिस, टेक एनी थ्री डिजिट नंबर एंड एक्सचेंज द डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस विद द डिजिट एट द वंस प्लेस. अब कहा गया कि कोई थ्री डिजिट का नंबर अपने मन से ले लो और उसको इंटरचेंज करके आप देख सकते हो और नंबर बना सकते हो. अब कहा गया कि इज द न्यू नंबर ग्रेटर देन द फॉर्मर वन. आपको कहा गया कि यहां पे चेक करके देखना है और ये फिर बताना है कि क्या नया नंबर जो आपने बनाया है वो पहले वाले नंबर से बड़ा है. दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया इज द न्यू नंबर स्मॉलर देन द फॉर्मर नंबर, और ये जो नया नंबर बनाया है क्या पहले के नंबर से छोटा है. तो ये आपको चेक कर लेना है खुद से. अब आगे चलते हैं. अब जैसे देखो यहां पे आपको कुछ करके बताया गया, अगर हमने थ्री डिजिट का नंबर कहा गया लिया गया तो इसने अपने मन से क्या किया, तो 7, 5 और 9 थ्री डिजिट ले लिया. अब इससे पहले जो बनाया, यहां पे कहा गया कि राइट द नंबर्स फॉर्म्ड इन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. यहां पे आपको क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. ये बिफोर क्या था, मतलब पहले 795 था. एक्सचेंज द फर्स्ट एंड थर्ड टाइल्स. अब फर्स्ट और थर्ड टाइल को क्वेश्चन में कहा गया था चेंज करना. अब देखो फर्स्ट और थर्ड को अगर चेंज किए तो ये कितना आ गया. अब देखो फर्स्ट प्लेस पे यहां पे 5 है तो ये 5 आ गया, यहां 7 है यहां पे 7 आ गया, चेंज कर दिए हम लोग. अब आगे चलते हैं. कहा गया कि इफ यू एक्सचेंज द फर्स्ट एंड द थर्ड टाइल दैट इज डिजिट्स, मतलब जब हमने फर्स्ट और थर्ड टाइल को चेंज कर दिया, इट मीन्स हमने डिजिट को परिवर्तित कर दिया, इन विच केस डज द नंबर बिकम्स ग्रेटर. पूछा गया तो इसमें से कौन सा नंबर बड़ा हो गया, तो यहां से हमें देख रहा है बिफोर वाला नंबर जो था वो ग्रेटर था, किसके कंपेरिजन में, आफ्टर वाले नंबर के कंपेरिजन में. अब कहा गया कि यहां पे इन विच केस डज इट बिकम्स स्मॉलर, ट्राई दिज विथ अ फोर डिजिट नंबर. ये सब हम लोग कर सकते हैं. अब हम लोग चलते हैं इंट्रोड्यूसिंग 10,000. अब ये नया कॉन्सेप्ट आपके लिए है. 10,000 को इंट्रोड्यूस करते हैं या इसको हम लोग समझते हैं. कहा गया कि वी नो दैट बियॉन्ड 99 देयर इज नो टू डिजिट नंबर, 99 इज द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर. कहा गया कि ना हमने ये देखा, हम लोग पहले से ये जानते हैं कि 99, यहां पे कहा गया कि बियॉन्ड 99 देयर इज नो टू डिजिट नंबर,
यहां पे 99 क्या है, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर है। अब इससे बड़ा कोई टू डिजिट का नंबर नहीं होगा, क्योंकि 99 से बड़ा नंबर अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, और ये 100 क्या हो जाएगा, थ्री डिजिट का नंबर हो जाएगा। ओके, तो आपको याद रखना है कि ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा, 99 होगा। अब कहा गया कि 99 इज द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर, सिमिलरली द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर 999, एंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर 9999। व्हाट शैल वी गेट इफ वी ऐड 129999। मतलब कहा गया कि 1 से 9999 तक अगर ऐड किया जाए तो क्या आएगा। तो अब देखो कि लुक एट द पैटर्न, अगर 9 में हम लोग 1 ऐड करते हैं तो 10 आ जाता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10 into 1। ओके, अगर हम लोग 99 में 1 ऐड करते हैं 100 आ जाता है, 100 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 into 10। अगर हम लोग 999 में 1 ऐड करेंगे 1000 आ जाएगा, 1000 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 into 1000। अब एक बात बताओ जरा सा कि इसको ये कितना गया 10 into 1, ये कितना गया 10 into 10, ये कितना गया 10 into 100। अगर हम यहां से आपको ये कह लें कि आप ये बताओ 9999 और प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 और 0, इतना आ जाएगा 10000। 10000 आ गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 10 into, अब देखो यहां 1, यहां 10, यहां 100, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा। ओके, तो यहां से क्या मिल गया आपको, इसमें आपको पैटर्न समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, कहा गया कि ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर प्लस 1। यहां से हमें क्या पता चला कि अगर ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर में हमने 1 ऐड किया तो ये बन गया स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। ओके, इसके बाद हमने ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर और उसमें अगर हमने 1 ऐड किया तो ये क्या बन गया, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। इसके बाद हमने ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर में 1 ऐड किया, ये क्या बन गया, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। इसके बाद ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर में हमने 1 ऐड किया, क्या बन गया, स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब इसी बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आगे चलते हैं, व्हाट शुड द एक्सपेक्ट दैट 1 एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। अब कहा गया कि ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर में अगर 1 ऐड करें तो, ये हम आपको करके दिखाए कि ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर मिल गया। ओके, यहां से हमें क्या पता चला, हमें मिल गया स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर, कहा कि वी वुड गेट द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर। यहां पे आपको करके बताया गया 9999 में 1 ऐड करने पे 10000 के इक्वल आ गया, और ये देखो 9999, ये क्या है, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, इसमें हमने 1 ऐड किया और ये क्या बन गया, स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर बन गया। कहा गया कि द न्यू नंबर विच कम नेक्स्ट टू 9999 इज 10000, इट इज कॉल्ड 10000, और फर्दर 10000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 into 1000, और ये हम यहां पे आपको लिख को पहले ही बता चुके हैं कि 10 into 1000 लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। अब यहां से समझो, कहा गया कि यू कैन डन दिस क्वाइट अर्लियर एंड यू विल सर्टेनली रिमेंबर द एक्सपेंशन ऑफ टू डिजिट नंबर लाइक 78। अब पहले भी इसको कर चुके हो और इसके बारे में जानते भी हो, अब बताओ 78 को क्या लिख सकते हैं। तो वंस प्लेस पे 8 है और टेंस प्लेस पे 7 है, तो इसका मतलब 70 को हम लोग लिख सकते हैं 70 और प्लस 8। 70 को क्या लिख सकते हो, 10 into 7 या 7 into 10 और प्लस 8, 78 बच जाएगा। अब कह रहे कि सिमिलरली यू विल रिमेंबर द एक्सपेंशन ऑफ अ थ्री डिजिट नंबर लाइक 278, इसको क्या लिख सकते हो, तो 200 plus 70 plus 8 लिख सकते हो। 200 को क्या लिख सकते हो, तो 2 into 100। 70 को क्या लिख सकते हो, 7 into 10, और 8 है इसको 8 into 1 लिख सकते हो। ओके, अब डायरेक्ट अगर आप समझना चाहते हो तो यूनिट प्लेस के नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, टेंस प्लेस के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और 100 प्लेस के नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसीलिए समझ लो 2 into 100 plus 7 into 10 plus 8 into 1, या जिसको डायरेक्ट 8 लिखा गया। ओके, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कि वी से हियर 8 इज एट वंस प्लेस, हम लोग कह सकते हैं 8 वंस प्लेस पे है, 7 इज एट टेंस प्लेस, 7 टेंस प्लेस पे है, 2 एट हंड्रेड्स प्लेस और 200 प्लेस पे है। लेटर ऑन वी एक्सटेंड दिस आइडिया टू 4 डिजिट नंबर, अब इस आइडिया को हम लोग एक्सटेंड करते हैं 4 डिजिट नंबर तक के लिए। कहा गया कि फॉर एग्जाम्पल द एक्सपेंशन ऑफ 5278,
यूनिट प्लेस पे कितना है? अब देखो 5278 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? तो 5000 प्लस 200 प्लस 70 और प्लस 8, या इसको लिख सकते हो 5 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 और प्लस 8। कहा गया कि हियर 8 इज एट वंस प्लेस, यहां पे 8 क्या है? वंस प्लेस पे है। 7 क्या है? टेंस प्लेस पे है। 2 क्या है? हंड्रेड्स प्लेस पे है। और 5 क्या है? 5 आपको थाउजेंड्स प्लेस पे है। ओके, अब आगे चलते हैं। कहा यहां पे विद द नंबर 10,000 नोन टू अस वी मे एक्सटेंड द आइडिया फर्दर, वी मे राइट 5 डिजिट नंबर्स लाइक। अब देखो 5 डिजिट का कोई नंबर आप ऐसे लिख सकते हो, यहां से वंस वंस प्लेस पे क्या है? 8 है, यहां से आपको आ जाएगा 8 इंटू 1। टेंस प्लेस पे क्या है? 7, यहां से आपको आ गया 7 इंटू 10। हंड्रेड प्लेस पे क्या है? 2, इसका मतलब 2 इंटू 100। थाउजेंड के प्लेस पे क्या है? 5, तो 5 इंटू 1000। और 10,000 के प्लेस पे कितना? 4, इसका मतलब 4 इंटू 10,000। एक्सपेंडेड फॉर्म समझ गए। अब आगे चलते हैं। वी से दैट हियर 8 इज एट वंस प्लेस, 7 एट टेंस प्लेस, 2 एट हंड्रेड प्लेस, 5 एट 1000 प्लेस एंड 4 एट 10,000 प्लेस। द नंबर इज रीज एज, इस नंबर को क्या पढ़ा जाएगा? तो 45,278। ये क्या कहा जाएगा? 45,278। कैन यू नाउ राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर? अब आपसे पूछा गया कि क्या आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात आए तो 9, 9, 9, 9 और 9, ये क्या हो गया? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। अगर आपसे कहे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखो, क्या आ जाएगा? 1, 0, 0, 0 और 0, ये क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। बातें समझ में आ गई?